नमस्कार दोस्तों, एसआर एजुकेशन कोचिंग क्लासेस ग्रुप में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, समय, कार्य और मजदूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना। दोस्तों अगर आप भी रेलवे बैंक पीओ एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लेना, इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों समय कार्य में जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है समय और कार्य। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक में क्या होता है। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से लगभग कम से कम 12 से 15 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और अगर आपको 12 से 15 प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपका समय और कार्य वाला जो पार्ट है वो 100% पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे पहले 12 से 15 क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे, और इस YouTube वीडियो में आपको मैं 100% यानी 12 से 15 क्वेश्चन पूरे बताऊंगा, इसलिए आप हमारे साथ बनिए, जुड़िए रहिए। दोस्तों देखना 12 से 15 जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यहां देखना आप इस वीडियो को। सबसे पहले बनता है कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे पहले टाइप के होंगे। कैसे, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, ए और बी यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता को गुणा करेंगे और दोनों की कार्य क्षमता को योग करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा वो पहले टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, यहां देखना, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, और सी उसी काम को जेड दिन में करता है। तो यानी कहने का मतलब तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सदैव लघुत्तम विधि वाले पैटर्न से हल करेंगे। तो क्या कहता है लघुत्तम विधि, 1/x + 1/y + 1/z। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे दो टाइप की वीडियो हो गए, यानी ये दूसरे टाइप का हो गया। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, जैसे कहने का मतलब ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, दोनों में से एक व्यक्ति ने काम जेड दिन तक किया, तो आपसे पूछेगा कि दूसरा व्यक्ति जो शेष काम को कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो तीसरे टाइप के वीडियो में बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ के बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या दे रखा होगा। दोस्तों दे रखा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए एक व्यक्ति है और वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों का सटीक जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। यानी सबसे पहले दोनों की कार्य क्षमता को आप लिख दीजिए, उसके बाद दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। करना क्या होगा, दोनों को एक साथ कार्य क्षमताओं को गुणा करेंगे, यानी 10 × 20 और दोनों की कार्य क्षमताओं का अपन योग कर देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 10 × 20 / 30। 10 से अपन 10 काट देंगे और 20 में अगर 3 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 × 2/3। यानी कहने का मतलब दोनों एक साथ मिलकर इस काम को 6 × 2/3 दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, इसी क्वेश्चन को बना रहा हूं मैं आगे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने सिर्फ आपको पैटर्न और टाइप समझा रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहां लिखा हुआ 10,
बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ उस काम को कितना करेंगे। हमारा पहला पैटर्न है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति एक्स्ट्रा जुड़ चुका है, तो क्या करना होगा, देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में। तो दोस्तों यहाँ पर अपन एरो बनाएंगे और यहाँ प्लस दे दीजिए। प्लस का मतलब है कि तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सदैव लघुतम विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं लघुतम विधि, एक बटे वे 10 प्लस एक बटे वे 20 प्लस एक बटे वे 30, इन सबका लघुतम लेंगे दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, या देखिए क्योंकि 60 इसलिए आ रहा है कि 10 का भाग 60 में जा रहा है, 20 का भाग 60 में जाएगा और 30 का भाग 60 में जाएगा। तो अब 10 का भाग 60 में देंगे तो 6 बार, 20 का भाग 60 में देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 बार और 30 का देंगे तो 2 बार। सबको जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 2 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 बटे हुए 60। अब यहाँ से उल्टा कर देंगे 60 बटे हुए 11, तो तीनों मिलकर एक साथ 11 पंजे 55, 5 से ही 5 बटे हुए 11 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फिर मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा। दोस्तों समय काम से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का हल एकमात्र इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कहने का मतलब दो व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं और काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, यानी बी अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हमारे दिए गए पैटर्न के अनुसार हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 20, क्योंकि यहां ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं इसलिए यहां लिखा मैंने ए प्लस बी बराबर 20। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि दोस्तों सबसे पहले आपको दे रखा है कि A प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि B अकेला उस काम को 30 दिन तक करता है, तो B अकेला 30 दिन में। देखिए दो मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एक अकेला व्यक्ति उसी काम को 30 दिन में करता है, तो कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले इनकी दोनों की कार्य क्षमताओं को गुणा करना पड़ेगा, यानी यहां लिखूंगा मैं 20 गुणा 30 और दोनों की कार्य क्षमताओं का अंतर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर 30 माइनस का 20, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 30 बटे हुए 10 और काटने पर हमारे पास आ जाएगा 60। कहने का मतलब ए अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा करेगा, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो हमारा ऑप्शन वहां पर 60 होगा, हमें 60 को राइट करना ही पड़ेगा।